हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्लास 10 के एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चंस है। तो इसमें हम अलग अलग टाइप से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने जाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक्स इसके टर्म एक देख लेते हैं, जो कि है इसका जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, ए और बी उसके कोएफिशिएंट्स है और सी कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट वैल्यू नंबर रिप्रेजेंट कर देता है और एक्स और वाई आपके वेरिएबल्स। तो यहाँ पे एक सम हम देख रहे हैं जो कि बहुत ही बेसिक सा है, x और x वेरिएबल, दोनों इक्वेशन के x वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, तो तभी हम साइमल्टेनियस इक्वेशन जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ 2-2 दिया है, जो कि बहुत ही ईजी वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब दोनों वेरिएबल सेम वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो और साइन भी दोनों की सेम हो, प्लस प्लस है, तो टाइम पे हम माइनस करते हैं। याद रखिए, जब दोनों वेरिएबल के साइन और कोएफिशिएंट सेम हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस। तो माइनस का मतलब ये होता है, जो नीचे वाला इक्वेशन है जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दिया है, हमेशा उसमें ही साइन सब चेंज होगा। जैसे 13 था, ये माइनस 13, दिस वन वॉज वाई प्लस 1y, अब ये हो जाएगा माइनस 1y, ये प्लस 2x था, अब ये हो जाएगा माइनस 2x। तो यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग। तो अब होगा माइनस 13 प्लस 9 माइनस 4 प्लस, ये माइनस 3y है और ये माइनस 4 है, तो दिस विल बिकम माइनस 4y। ये माइनस 2 है, ये प्लस 2, ये भी कैंसिल हो गया, तो एक टर्म हमारा एलिमिनेट हो गया वेरिएबल, तो जिससे हमें इजी हो जाएगा दोनों वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए। और y की वैल्यू मैं क्या करूँगा, 4 है, दिस इज़ इन मल्टीप्लाई, तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में। अब ये 4 और 4 कैंसिल, y की वैल्यू हो गई आपकी 1। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, वहाँ पे दोनों इक्वेशन से हम किसी भी दोनों इक्वेशन में एक वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। y की वैल्यू हमारी आ गई है y इक्वल्स टू 1, मतलब हमारा आधा सम सॉल्व हो गया है। अब इसे मैं सब्सटीट्यूट करूँगा किसी भी एक इक्वेशन में, तो समझो मैंने इक्वेशन 1 में पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन में चाहे आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 2y की वैल्यू हमें पता है 3 × 1 इक्वल्स टू 9, तो 2x इक्वल्स टू 9 और यहाँ जाएगा प्लस 3, तो 2x इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू आ गई 12/2, सो दिस बिकम 6। तो हमारे x की वैल्यू 6 आ गई। अब मान लो कि आपको चेक करना है कि आपका जो x और y का वैल्यू अगर आया है वो सही है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। जैसे मैंने 1 से उठाया तो मैं 2 में चेक कर लेता हूँ, x का वैल्यू कितना आया गाइस, 6 आया है, तो मैंने 6 डाल के प्लस y की वैल्यू कितनी आई है, 1, और ये हो गया 13, 2 × 6 = 12, 12 + 1 = 13। इसका मतलब मेरा LHS इक्वल्स टू RHS है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन सही था, विच वॉज एक्स इक्वल्स टू 6 और वाई की वैल्यू थी 1। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स।